नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और टॉप 26 लॉन्चेस इन द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को कौन से 26 रियल एस्टेट के अंदर न्यू लॉन्चेस हैं जिसके अंदर अगर आपने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर डाला तो आपकी लाइफ जिंदा लाला। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और इन केस अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप अभी इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल को एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों का लॉस कर दिया। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। Let me start this, video. So, देखिए पहले हम द्वारका एक्सप्रेसवे की मार्केट देखते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे कौन से भी हॉट लॉन्चेस आए हुए हैं या बिल्कुल आने वाले हैं और कहां क्या चल रहा है, और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन शायद आपको और कहीं ना मिले। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉन्च, दैट इज सेंट्रल पार्क 4। तो सेंट्रल पार्क 4 अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे आया है सेक्टर 104 के अंदर, और लगभग 23,000 से 24,000 रुपए के आसपास से ट्रेड हो रहा है आज के डेट में। और 3 BHK इसके अंदर ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, 4 BHK के अंदर बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज आपके अवेलेबल है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर। लेट्स मूव टू द सेकंड प्रोजेक्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो MCM के कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट आने वाले हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर, और ये मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, किसी भी चैनल पे आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो जो सेकंड लॉन्च है वो अभी MCM का कमर्शियल आने वाला है, वो कहाँ कहाँ आएगा उसके अंदर थोड़ा सा वक्त है अभी, बट लेट मी टेल यू कि 111 के अंदर आएगा। तो वो जैसा आपने देखा है MBX मॉल, तो सिमिलर टाइप की लोकेशन है, जैसे आपने सुना होगा एक मॉल लुलू मॉल लखनऊ के अंदर या फिर एक दो जगह और प्रेजेंट है, तो उस टाइप का मॉल यहाँ पे आने वाला है सेक्टर 111 के अंदर। MCM के कमर्शियल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 112 के अंदर कमर्शियल आएगा, 113 में ऑलरेडी वहाँ पे कैपिटल वॉक है जो 1 किलोमीटर का रिटेल है, वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, 95% सोल्ड आउट है। तो यहाँ पे 112 सेक्टर भी जो कमर्शियल बेल्ट आप देखेंगे वहाँ पे भी MCM के पास लैंड है, तो वहाँ पे भी आ सकता है प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी। इसके अलावा SCO प्रोजेक्ट थे इनके दो 114 सेक्टर के अंदर MCM के, तो वहाँ पे भी दो SCO थे, दोनों के दोनों कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुके हैं 114 जो प्योरली कमर्शियल सेक्टर है। तो वहां पे भी थर्ड SCO का प्रोजेक्ट आएगा MCM का, कुछ टाइम है उसके अंदर। ऑलराइट, तो ये मैंने एक तरीके से आपको 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे बताए हैं MCM के कमर्शियल डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट की ही बात करूं तो स्मार्ट वर्ल्ड का 1 DXP जो इसका फेज 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट है, बड़ी जबरदस्त डिमांड थी मार्केट के अंदर, दिल्ली से लगता हुआ सेक्टर था, 2.5 बिल्कुल सोल्ड आउट है 1377 स्क्वेयर फीट वाला। इसके अलावा 1806 स्क्वेयर फीट कंप्लीटली सोल्ड आउट है फेज 1 के अंदर, 2015 स्क्वेयर फीट भी कंप्लीटली सोल्ड आउट है, 3 बेडरूम विद सर्वेंट एंड विदाउट सर्वेंट, और यहाँ पे 4 बेडरूम के अंदर फेज 1 में कुछ इन्वेंट्रीज अभी अवेलेबल है, तो उसके लिए आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लस 3 बेडरूम में कुछ डेक यूनिट्स अवेलेबल है। तो फेज 1 काफी अच्छा एग्रेसिवली सेल आउट हुआ था, जनवरी के अंदर शुरुआत हुई थी और अभी सितंबर आते आते लगभग 800 यूनिट के आसपास लगभग सेल आउट हो चुकी है। इसका फेज 2 आने वाला है, कुछ 1-2 महीने लगेंगे उसके अंदर, तो उसका अभी फेज 2 जब आएगा वो 18-19,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास रेट आएगा, मे बी जब एक बार एक्सप्रेस ऑपरेशनल होगा शायद उसके बाद लॉन्च हो। तो ये था आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट, दैट इज स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP का फेज 2। नेक्स्ट आपका जो ऐलान द प्रेजिडेंशियल था सेक्टर 106 के अंदर, जो भी अगेन लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास लॉन्च हुआ था, 3 बेडरूम 4 बेडरूम एंड 5 बेडरूम की इन्वेंट्रीज अवेलेबल थी वहां पे, 2450 स्क्वायर फीट का ही 3 बेडरूम था, जो बहुत सारे अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर 4 बेडरूम का तो सबसे लार्ज साइज होता है वहां पे, 3 बेडरूम का सबसे छोटा साइज था, और काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स आया था उसमें। 3 बेडरूम की इन्वेंट्री सबसे पहले सोल्ड आउट हो गई थी, 2 ही टावर में थी, फिर 4 बेडरूम की इन्वेंट्रीज भी बड़ी जल्दी सोल्ड आउट हुई थी जो 4 टावर्स में थी, टावर 3, 4, 5, 6, और इसके अलावा 5 बेडरूम की इन्वेंट्री प्लस पेंटहाउसेस, काफी चीजें बहुत जल्दी सोल्ड आउट हुई थी। तो उसका भी फेज 2 आएगा मे बी दिसंबर के अंदर या फिर लास्ट क्वार्टर के अंदर, नेक्स्ट इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, या फिर हो सकता है उससे पहले।
तो फेज वन ऑलरेडी सोल्ड आउट है, फेज टू भी अभी आने वाला है लांदा प्रेसिडेंशियल का। तो फेज वन के अंदर बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, उसके लिए अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इंडियो नंबर पे। नेक्स्ट जो अभी आने वाला लॉन्च है वो है आपका एमट्रिम कैपिटल का फेज टू। तो फेज वन ऑलरेडी बहुत ही सक्सेसफुली सेल आउट हुआ था एमट्रिम का कैपिटल का, गोल्फ कोर्स बेस्ड प्रोजेक्ट था ये। तो अगर गोल्फ बेस्ड प्रोजेक्ट आपको चाहिए तो फेज वन में बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री बची है, 5-10% बची हुई होगी और वो भी छोटे साइज में भी कुछ इन्वेंट्री शायद आपको मिल जाए। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर काफी हद तक बना हुआ है, 22वें फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन उसकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेज टू भी इसका आने वाला है तो वो भी 18-19 हजार रुपए के आसपास ही लॉन्च होगा। नेक्स्ट जो अभी लॉन्च आने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो आपका सेक्टर 36A के आसपास कृषिमी का आएगा। कुछ टाइम पहले कृषिमी का स्टूडियो अपार्टमेंट आए थे, वो जबरदस्त रिस्पांस आया था, तो वहां पे मतलब चेक इतने थे कि इन्वेंट्रीज नहीं मिल पाई थी, तो उन्होंने और भी लाइसेंस अप्लाई करे हुए हैं, तो वो भी अभी जल्दी आने वाला है प्रोजेक्ट। प्लस इसके अलावा कृषिमी ने मैक्स के साथ एक ज्वाइंट वेंचर भी साइन करी है, तो वो भी एक उसका भी लाइसेंस अप्लाइड है, तो उसके अंदर भी कुछ इन्वेंट्रीज आपको आने वाले टाइम के अंदर दिखाई देगी सीपीआर रोड पे। इसके अलावा एमथीएम रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलर लोकेशन है सेक्टर 36 जहाँ पे कृषिमी का प्रोजेक्ट है, उसी के पास में ही एमथीएम ने भी कुछ लैंड एक्वायर करा है, तो मे बी फ्यूचर में आपको वहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट होने को मिले, बट उसमें भी वक्त है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त है उसमें, 5-6 महीने का, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर हीरो होम्स की मैं बात करूँ तो उसका भी अभी द्वारका एक्सप्रेस वे पे एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 के अंदर, तो वहाँ पे भी जो रेट है लगभग 15,000 रुपये के आसपास आया है और बहुत लिमिटेड यूनिट ही एक टावर था, 104 यूनिट थी और उसमें भी आपका जो उसका रेट रिवाइज हो गया था 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो उसमें हार्डली कुछ इन्वेंट्रीज अभी अवेलेबल हो पाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो द्वारका एक्सप्रेस वे पे गोदरेज ने सेक्टर 103 में माइक्रोटेक से भी 400 करोड़ का लैंड खरीदा है 15 एकड़ के आसपास, आई एम श्योर आपने न्यूज देखी होगी, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको वहां पे भी गोदरेज की कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी 103 सेक्टर के अंदर। ऑलराइट, तो ये था हो गया आपका द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर लगभग 9-10 प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और मार्केट की, जैसे कि फरीदाबाद रोड पे अभी एक पारस का क्वार्टियर प्रोजेक्ट है, तो ऑलरेडी वहां पे एक नया टावर आया, ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है पारस का, तो पारस की भी इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी काफी अच्छी रहती है, तो वहां पे भी आपका लगभग 6 करोड़ प्लस का टिकट साइज है, 6-7 करोड़ के आसपास, तो वहां पे भी अगर आप फरीदाबाद रोड पे देख रहे हैं तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, QUAR व्हाट्सएप कर सकते हो आप इंडियो नंबर पे 8584840840 पे। नेक्स्ट अगर आप मैं बात करूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन मार्केट की, तो यहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं, लाइक अनंतराज का सेक्टर 63A के अंदर प्रोजेक्ट आएगा, फिर टार्क का प्रोजेक्ट आएगा सेक्टर 63 में, कॉन्सेंट हाइंस का प्रोजेक्ट आएगा सेक्टर 59 में। इसके अलावा पूरी अरावलीज का फेज वन ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल सेल आउट हुआ था सेक्टर 61 के अंदर, तो उसका भी अभी फेज टू आने वाला है। इसके अलावा अगर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था आपका, दो प्रोजेक्ट आए थे, एक अर्बन को तो थोड़ा टाइम हो गया है, बट रिसेंटली अर्बन ओएसिस आया था 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास और काफी सक्सेसफुल रहा उसका जो लॉन्च था, 4,300 एप्लीकेशन आई, 400 यूनिट थी अप्रॉक्सीमेटली, तो वहां पे उसकी सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी बड़ी ही अच्छी डिमांड आने लगी है। तो ये आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो गया जहाँ पे 4-5 प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गोल्फ कोर्स रोड की, तो गोल्फ कोर्स रोड पे अभी क्रेस्ट 2 आएगा, क्रेस्ट 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है बाय डीएलएफ, तो डीएलएफ अगर आप देखेंगे तो गोल्फ कोर्स रोड पे सबसे ज्यादा लैंड बैंक डीएलएफ के पास था और सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर आज की डेट में डीएलएफ ने करे हुए हैं, लाइक डीएलएफ मैग्नोलियाज हो गया, डीएलएफ क्रेस्ट हो गया, डीएलएफ पार्क प्लेस हो गया, डीएलएफ बेलेयर हो गया। इसके अलावा जो थोड़े पुराने डेवलपमेंट है वो है आपके पिनेकल, आईकॉन, वेस्टर्न नाइट, प्रिंसटन, कार्लटन, वेलिंगटन, आपके एक्सक्लूसिव फ्लोर्स और अरालियाज, तो ये जो बहुत ही बेंचमार्क प्रोजेक्ट हैं डीएलएफ के, और वहाँ पे बहुत लैंड बैंक जो है बहुत लिमिटेड बचा हुआ है, लिमिटेड लैंड बैंक बचा हुआ है डीएलएफ के पास ही मोस्टली था, इसके अलावा और भी बिल्डर थे बट उनके एक एक दो दो प्रोजेक्ट हैं, बट डीएलएफ का ही जैसे कि और भी बिल्डर्स थे आपके, विपुल है, विपुल का एक प्रोजेक्ट है बेलमोंटे, तो विपुल ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया था विपुल आरोहन, बट जो कि उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उसको ओवरटेक करा ट्यूलिप ने, तो अभी वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट गोल्फ गेम गोल्फ कोर्स पे आ रहा है ट्यूलिप बॉन्सेला, तो उसके अंदर भी कुछ इन्वेंट्रीज आपको मिल सकती हैं। ऑलराइट, तो वहाँ पे जो टिकट साइज है आपका 7-8 करोड़ ऑनवर्ड्स ही रहने वाला है गोल्फ कोर्स रोड पे, तो अगर आपके 7-10 करोड़ बजट है तो आप डेफिनेटली उसको कंसिडर कर सकते हैं और उसके लिए आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ न्यू गुड़गावा एरिया की, तो न्यू गुड़गावा एरिया के अंदर भी आपको कुछ डेवलपमेंट होने दिखाई देंगे, कि फॉर एग्जांपल गंगा रियल्टी का भी सेक्टर 84 के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा है,
इसके अलावा और वो हाई एंड लग्जरी रहने वाला है, तो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम। अगर गंगा रियल्टी जो है वो सिग्नेचर ग्लोबल से टूट के कंपनी बनी थी, तीन कंपनी बनी थी, एक एमआरजी अलग है, गंगा रियल्टी और सिग्नेचर ग्लोबल। तो जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है या फिर जो प्रोफेशनलिज्म है आपको उस टाइप का ही मिलेगा गंगा रियल्टी के अंदर भी। इन्होंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट अफोर्डेबल लॉन्च किया था जिसका जबरदस्त मैसिव रिस्पॉन्स आया था, ओवर सब्सक्राइब हो गया था अफोर्डेबल के अंदर, 3,000 फ्लैट जस्ट लाइक दिस सेल आउट हो गए थे अफोर्डेबल सोना के अंदर। और सेम गंगा रियल्टी अभी सेक्टर 84 के अंदर भी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। इसके अलावा पिरामिड अनदर एक ग्रुप है जो सेक्टर 86 के अंदर एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, वो भी थोड़ा लग्जरी और मिड लग्जरी सेगमेंट के अंदर आएगा प्रोजेक्ट। इसके अलावा आशियाना अमारा का फेज 3 आने वाला है, फेज 1-2 ऑलरेडी सोल्ड आउट है और काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स आता है, लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल रही थी इतना, बहुत पीपल आर लाइक यू नो क्राइंग फॉर दिस टू गेट द अलॉटमेंट इन आशियाना अमारा। तो उसका भी सेक्टर 93 के अंदर फेज 3 अभी आने वाला है, मे बी 11,500-12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट आएगा। ओके, तो पहले जो एक यू नो मार्केट में न्यू गुड़गांव के अंदर 8,000-8,500-9,000 रुपए पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे थे, तो वो भी आज 11,000-12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आना स्टार्ट हो चुके हैं न्यू गुड़गांव की मार्केट के अंदर। तो यानी कि मार्केट का वहां पे भी इंक्रीज हो रहा है, एप्रिसिएशन आ रहा है लोगों को। इसके अलावा कॉन्शियन का भी सेक्टर 80 के अंदर एक प्रोजेक्ट आएगा, फिर अभी SS सिंडाना है उसका भी प्रोजेक्ट है सेक्टर 83 के अंदर, वो भी अगेन काफी अच्छा प्रोजेक्ट है SS ग्रुप का। वहां पे भी 1450 से लेकर 1850 के आपको 3BHK के साइज अवेलेबल मिल जाएंगे, और लोकेशन उसकी काफी अच्छी प्राइम है, जो आपका द्वारका एक्सप्रेस वे और आपका NH8 उसके इंटरसेक्शन पे लगभग सेक्टर 83 आ जाता है, मानेसर टोल जब वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो लोकेशन उसकी भी काफी अच्छी प्राइम है, एग्जिस्टिंग NH8 के काफी नजदीक आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ SPR रोड की, साउदर्न पेरीफेरी रोड की, तो वहां पे आपका DLF का सेक्टर 77 के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा है, टोटल लगभग 100 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक है 125 एकड़ के आसपास, और सेक्टर 77 के अंदर लगभग 25 एकड़ के अंदर ये डेवलपमेंट आ रहा है, और ये आपका लगभग लगभग 4.5 करोड़ के आसपास का टिकट साइज रहने वाला है, 3200 से 3600 स्क्वेयर फीट का 4 बेडरूम प्लस यूटिलिटी रूम आने वाला है, 14,000 से 15,000 रुपए पर स्क्वेयर फीट के आसपास का यू नो रेट आने वाला है, और ये भी काफी अच्छा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, जस्ट लाइक आपका DLF आर्बर हुआ था सेक्टर 63 के अंदर। ओके, तो इसी टाइप का यहाँ पे भी रिस्पॉन्स है। प्लस अगर SPR की ही मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेक्टर 76 के अंदर व्हाइट लैंड का भी नया टावर आ रहा है, इसका भी जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है, इसके जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है वो शाहपुर जी पालन जी है। और राइट, और अगर आप एक रीजनेबल रेट पे एक अच्छा एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपार्टमेंट देख रहे हैं SPR पे, जहाँ पे पास में NH8 भी है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड भी हो गया, सोना रोड भी हो गया, प्लस अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस भी आ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। हालांकि बिल्डर ने ये, बट इन्होंने ऑलरेडी एक इनका प्रोजेक्ट था अर्बन क्यूब्स करके सेक्टर 71 के अंदर, तो उसकी भी यू नो कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसका भी पोजीशन जल्दी मिलेगा, तो वो एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट कंसिडर हो जाएगा इनका, जिसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी फास्ट हुई है, दैट वॉज फ्रॉम SCO शॉप कम ऑफिस। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सिग्नेचर ग्लोबल का भी सेक्टर 71 के आसपास प्रोजेक्ट आएगा अभी, प्लस गोदरेज 79 के अंदर अभी यू नो रिसेंटली एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, तो उसका भी लॉन्च लगभग हो ही गया है सेक्टर 79 का। तो यू नो ये लगभग 26 प्रोजेक्ट मैंने आपको यू नो यहाँ पे बताए हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हो इधर इन्वेस्टमेंट और एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, सो आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो के अंदर कि कहाँ पे किन मार्केट्स के अंदर एग्जैक्टली क्या आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं इस किसी भी लॉन्च के अंदर, तो आप इनके नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो या इंडिया नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, सो दैट जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कंफ्यूज है और उनके क्लैरिटी चाहिए, तो वो इस वीडियो के थ्रू क्लैरिटी मिल सके उनको। Okay, so that's all about this video.